नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं हूं स्वाति रायना और ये खबर खास तौर पर आज का शो देखना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। अपनी प्राइवेट कार में अनजान लोगों को लिफ्ट दी तो कट गया चालान, लगाने पड़ गए कोर्ट के चक्कर। दरअसल मुंबई में एक शख्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। अब आप ये सोचेंगे कि किसी को लिफ्ट देना क्या जुर्म है, तो आपको बता दें, जी हाँ, बिल्कुल जुर्म है और ऐसा कानून कहता है। दरअसल मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत कई ऐसे भूले बिसरे नियम हैं जिनका इस्तेमाल आपका चालान काटने के लिए किया जा सकता है। दरअसल मुंबई के नितिन नायर के साथ ही कुछ ऐसा हुआ जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम किसी की मदद करें तो कहीं कोई कानून हमें ही परेशान ना कर दे। इस पर चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे, लेकिन उससे पहले जरा रिपोर्ट देखिए और पूरी खबर समझिए। लिफ्ट के लिए हाथ देने वाले को देखकर शायद आपने भी कभी गाड़ी रोकी होगी, ये सोचकर लिफ्ट भी दी होगी कि किसी का भला हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है? अनजान लोगों को लिफ्ट देना कानूनन जुर्म है, आपका चालान कट सकता है। मुंबई के रहने वाले नितिन नायर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ जो हर किसी के लिए सबक बन गया। लिफ्ट देकर नितिन अपना ही चालान कटवा बैठे। नितिन के साथ जो हुआ उसकी पूरी जानकारी उन्होंने अपने फेसबुक पर शेयर की। उनके मुताबिक मामला 18 जून का है। नितिन अपनी कार से ऑफिस जा रहे थे, तेज बारिश हो रही थी। एरोली सर्कल के बस स्टॉप के पास उन्होंने बारिश में फंसे तीन लोगों को लिफ्ट दी। इनमें एक काफी उम्रदराज शख्स थे, बाकी दोनों किसी आईटी कंपनी में कामते थे। लेकिन एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने उन्हें वहीं रोका और उनका लाइसेंस जब्त कर लिया। नितिन को बताया गया कि अपनी कार में अनजान लोगों को लिफ्ट देना गैर कानूनी है। पुलिस स्टेशन से अगले दिन लाइसेंस लेने को कहा गया। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन्हें कोर्ट जाने को कहा गया। कोर्ट में उन्होंने 1500 रुपए का फाइन चुकाया। इसके बाद उन्हें लाइसेंस लेने के लिए फिर पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरे चक्कर में उन्हें 22 जून की शाम 5 बजे अपना लाइसेंस मिला, घटना के पूरे 4 दिन बाद। नितिन ने अपनी पूरी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की और साथ ही ये भी लिखा कि हमारे देश में कुछ ऐसे कानून हैं जो हमें अपने ही देशवासियों की मदद से रोकते हैं। चलिए इस कानून के बारे में भी बताते हैं आपको। नितिन को मोटर व्हीकल्स एक्ट के सेक्शन 66 और सेक्शन 192 के तहत चालान जारी किया गया। इसके तहत किसी भी निजी गाड़ी में सामान या सवारी ले जाने की मनाही है। इसके लिए आपके पास कॉमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन नितिन तो किसी की मदद कर रहे थे, फिर उनका चालान क्यों? इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है, अनजान लोगों को लिफ्ट देना खतरनाक हो सकता है। वो लिफ्ट मांगकर आपसे लूटपाट मचा सकते हैं। इसके अलावा कई लोग निजी गाड़ियों का कमर्शियल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें किसी भी हालत में किसी अनजान को लिफ्ट नहीं देनी चाहिए? तो जवाब ये है कि रास्ते में अगर किसी के साथ कोई हादसा हो गया हो तो आप उसे लिफ्ट दे सकते हैं। किसी की अचानक तबीयत खराब हो गई हो तो उसकी भी मदद कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि कोई अगर घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो उसे वहां से फौरन जाने की इजाज़त होगी। घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। इतना ही नहीं, ऐसे मददगार राहगीर को उचित इनाम भी दिया जाएगा। वैसे अनजान लोगों को लिफ्ट देने से जुड़ा कानून 1988 में बना था, हालांकि इसके बारे में जानकारी आम जनता को कम ही है। मुंबई दिल्ली जैसे बड़े शहरों में लोग अक्सर लिफ्ट मांग लेते हैं, कई लोग जरूरतमंदों को लिफ्ट भी देते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि ऐसे कानूनों के चलते कहीं ऐसा ना हो कि लोग जरूरतमंदों की मदद करना ही बंद कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूं तो समय दर समय पुलिस, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो कम से कम आपको परेशान नहीं किया जाएगा, आपसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। लेकिन मुंबई के नितिन नायर के साथ जो ये वाक्या हुआ वो सोचने पर मजबूर जरूर कर देता है, क्या वाकई हमें किसी की मदद करनी चाहिए भी कि नहीं करनी चाहिए? और ये पूरा मामला आगे आने वाले कई मामलों के लिए एक नजीर भी बन सकता है। तो किस करवट ये पूरा मामला बैठेगा ये देखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले परिचय करा दें। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद संपत हैं, वो एक लॉयर हैं और उनसे काफी कानूनी जो पेचीदगियां हैं इस पूरे मामले में, मोटर व्हीकल्स एक्ट हो गया या सड़क पर आप गाड़ी चलाते हैं तो क्या कानून क्या कहता है, क्या बदलाव हुए हैं इतने अब तक, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कंज्यूमर वॉइस से CEO अशीम शान्याल जी है। कंज्यूमर की इसमें क्या भूमिका है, कैसे वो अपने
हक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। और उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP प्रोफेसर विक्रम सिंह हमारे साथ हैं और तमाम जो पहलू हैं पुलिस से जुड़े हुए या ट्रैफिक से जुड़े हुए भी हम विक्रम जी से जानेंगे। आपको बताएं कि हमारे साथ इस वक्त नितिन नायर भी हैं, IT प्रोफेशनल, जिनके साथ 18 जून को यह पूरा वाकया हुआ और उनको चालान भी इसके तहत दे देना पड़ा क्योंकि उन्होंने जरूरत में पड़े हुए कुछ 3-4 लोगों को लिफ्ट देने की गुस्ताखी कर दी। और हम आपको बताएं कि नितिन नायर से हमने फोन पर बातचीत की है और नितिन हमारे साथ मौजूद भी है। नितिन, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर हमसे बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपसे बातचीत करनी इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कई लोग आपके जैसे हैं नितिन, जो कि जरूरतमंद लोगों को लिफ्ट देते हैं या लिफ्ट देना चाहते हैं या ये कोशिश करते हैं कि हाँ कि कैसे उनकी मदद की जाए। लेकिन नितिन, आपने जब 3 लोगों को लिफ्ट दी थी 18 जून को, क्या आपने सोचा था कि आप कोई जुर्म करने जा रहे हैं? नहीं, मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था। मुझे तो लगा कि मैं किसी का हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि बॉम्बे में कभी ऐसा होता है कि बारिश के टाइम पे लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इशू हो जाता है और जो नॉर्मल रिक्शा वाले हैं वो लोग सब ओवर चार्ज करते हैं, तो काफ़ी लोग बाकी लोगों से लिफ्ट लेके आगे जाना प्रिफर करते हैं और हेल्प मांगते हैं। तो मेरा बस यही था कि यू नो आई शुड हेल्प पीपल हु आर इन नीड, तो इसके लिए मैंने लोगों का हेल्प किया। मेरा और कोई इंटेंशन नहीं था। मतलब आप करने चले तो अच्छा थे लेकिन आपको लेने के देने पड़ गए क्योंकि आपको जुर्माना लग गया इस पर। सर, डिटेल में नितिन बताएं कि आपके साथ 18 जून को क्या हुआ था, कैसे आपने लिफ्ट दी, कैसे वहां पर ट्रैफिक पुलिस ने फिर आपका चालान काटा और कैसे आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। मैं ऑफिस जा रहा था तो रास्ते में 2 लोगों ने हाथ दिखाया, बारिश हो रही थी इसके लिए मैंने गाड़ी रोका और उनको लिफ्ट दिया। और एक अंकल थे जो एजेड थे, उन्होंने बोला कि बेटा आप आगे मुझे छोड़ सकते हो क्या? मैं बोला आप बैठ जाओ। तो जैसे वो बैठे तो ये ट्रैफिक पुलिस थे जो आके मेरे से अपना लाइसेंस ले लिया और कहा कि आप इलीगल काम कर रहे हो। मैं बोला कि नहीं, मैं तो बस लिफ्ट दे रहा हूँ, लेकिन ये एज़ पर अपना लॉ इट इज़ इलीगल टू गिव लिफ्ट टू अननोन पर्सन। उन्होंने मेरा चालान बनाया और कहा कि कल पुलिस स्टेशन में आके आप ले लो। तो जब नेक्स्ट डे जब मैं पुलिस स्टेशन गया तो उन्होंने कहा कि आपको कोर्ट जाके लेना पड़ेगा। तो जब फिर मैं फेडिक कोर्ट गया, कोर्ट में जाके मुझे 1 बजे तक बिठाया गया, अंदर जाके जज के सामने मेरा नाम बुलाया गया। उसके बाद बाहर आके जो पुलिस के अधिकारी थे उनको मैंने अपना जो फाइन है वो पे किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे वापस पुलिस स्टेशन जाके अपना कलेक्ट करना होगा लाइसेंस। तो मैं कुछ शाम को अराउंड 5 o'clock को वापस अपना लाइसेंस रिटर्न मिला। मतलब साफ है कि लोगों की मदद करने की आपने कोशिश की नितिन, लेकिन चालान कटा आपका, 4 दिन तक आप परेशान रहे। अब आगे फ्यूचर के लिए आपसे पूछना चाहूंगी, किसी को आगे अगली बार लिफ्ट देने से पहले सोचेंगे आप? हाँ, मैं जरूर सोचूंगा अगली बार से लिफ्ट देते हुए। अगर कोई अगर प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली मैं उनको हेल्प करूंगा, बट अननेसेसरी मैं किसी को लिफ्ट दे के खुद को प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता आगे। चलिए, आपने कहा कि जरूरत होगी तो जरूर लिफ्ट देंगे, डिटर्मिनेशन आपका अच्छा है, लेकिन आखिरी सवाल आपसे होगा नितिन, क्या आप इस तरीके के कानून पर कुछ कहना चाहेंगे? मोटर व्हीकल्स एक्ट का जो कानून है जिसके तहत आपको ये चालान लगा है, आपको जुर्माना देना पड़ा, इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं आप? मैं कानून के अगेंस्ट से कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने जो पोस्ट डाली थी फेसबुक में वो कोई कानून या पुलिस के अगेंस्ट नहीं था। ये मैं सब कार ओनर्स और ड्राइवर्स को इन्फॉर्म करना चाहता था कि ऐसा लॉ है, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोगों को ये लॉ पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता था। तो मैं चाहता हूँ कि बाकी कोई दे शुड नॉट गेट इनटू ट्रबल लाइक मी। वही मेरा मेजर रीज़न था कि मैं अपना पोस्ट डाला। बहुत शुक्रिया आपका नितिन नायर हमसे बातचीत करने के लिए जी बिजनेस पर और अपनी आपबीती बताने के लिए कि आखिरकार क्या हुआ आपके साथ जब आपने अनजान लोगों को लिफ्ट दी और आपको लगा जुर्माना। लेकिन इस पर एक बहस भी छिड़ जाती है, क्या एक्चुअली वाकई आपको लिफ्ट देना चाहिए? मतलब कोई जरूरतमंद है, उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर आप उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाए, तो आपको क्या वाकई लेने के देने पड़ जाएंगे? हमारे साथ विनोद संपत जी हैं। विनोद जी, आप ही से सबसे पहले मैं जानूंगी, नितिन की बातचीत भी आपने सुनी, क्या वाकई नितिन पर जुर्माना लगना चाहिए था क्योंकि उन्होंने किसी जरूरतमंद को लिफ्ट दी थी? वो तो कोई कमर्शियल गाड़ी भी नहीं चला रहे थे। सबसे पहले मैं यह कहूंगा
कि नितिन जी ने तो बहुत ही एक अच्छा काम किया, एक नेक काम किया है। मैं रेलवे मिनिस्टर से और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप कभी है ना गुजरात से बम्बई ट्रैवल कीजिए, आपके पास रजिस्टर्ड टिकट का रहेगा ना, फिर भी आप आपकी सीट पे सो नहीं सकते, पब्लिक धक्का मार के आपको उठा के वो सीट पे बैठ जाती है, आप कुछ नहीं कर सकते। आज नेकी जो आदमी कर रहा है, अच्छे दिमाग से, अच्छी इंसानियत की भावना से कर रहा है, और मान लो कोई कानून में थोड़ा बहुत फर्क भी करता है, कोई ऊपरवट भी कर जा रहा है, तो उसमें कानून की तरह भाषा में देखे स्ट्रिक्टली तो गलत है। पर क्या हमारे ट्रांसपोर्ट के कोई भी ट्रैफिक, कोई कौन सा रास्ता ऐसा है कि जहाँ पे खड्डे नहीं है, कितने टाइम में गवर्नमेंट की बस है या ट्रेन टाइम पे आती है, ये तो हो नहीं रहा है। पर सिर्फ कानून का डंडा दिखा के ब्यूरोक्रेट्स लोग पैसा बना देते हैं। और मुझे इतना यकीन है कि नितिन जी की जगह पे कोई दूसरा रहता था तो थोड़ा बहुत स्पीड मनी देता था तो ये मामला यहाँ का यहाँ रफा के दफा हो जाता था। नितिन जी ने तो ईमानदारी से कहा ये मैं पहचानता नहीं हूँ, पर दूसरा कोई आदमी रहता तो बोलता है मैं इसको पहचानता हूँ, तो पुलिस कुछ नहीं कर सकता था। विनोद जी, आपको क्यों लगा फिर कि नितिन पर जुर्माना लगा और उनको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ गए? आपको क्यों लगता है कि जुर्माना उन पर लग गया, वहां पर जो ट्रैफिक पुलिस वाले ने अपना काम सही नहीं किया, यहाँ तक कि जज ने भी उन पर जुर्माना ठोका और उनको अपनी आपबीती पर सोशल मीडिया पर बतानी पड़ी? देखिए क्या होता है, जज के भी हाथ बंधे हुए, कोई ईमानदार पुलिस ऑफिसर के भी हाथ बंधे हुए हैं। पर आज सबसे बड़ी चीज है इंसानियत। आज जब एक आदमी का इरादा साफ है, अच्छा काम भावना कर रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ट्रैफिक पुलिस ने लॉ में सब कुछ लिखा होता है, फिर भी कई बार हमें ओवरलुक करना पड़ता है। और साथ साथ में मैजिस्ट्रेट ने भी जो किया है वो कानून के पुस्तक के मुताबिक किया है। हालांकि आज की जरूरत हमारे पॉलिटिशियंस की है कि ऐसे रियलिस्टिक लॉ फ्रेम करें ताकि उससे सबको फायदा हुए, ऐसे इडियोटिक लॉ रख के क्या फायदा है? इसमें सिर्फ स्पीड मनी का बढ़ावा चल रहा है, बाबूसाई का मतलब चल रहा है और कुछ नहीं है। जी जी, प्रोफेसर विक्रम सिंह, आपने पूरा केस पढ़ा भी, आपने नितिन नायर की बात सुनी भी, मैं आपसे बिल्कुल सीधा सवाल पूछूंगी, क्या ट्रैफिक पुलिस वाले ने यहां पर गलती की है, चूक की है, भूल की है, एक ऐसे शख्स पर जुर्माना लगाकर जो किसी जरूरतमंद की मदद कर रहे थे? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और मैं ये कहना चाहूंगा कि ट्रैफिक कांस्टेबल ने अपने अधिकारियों का सदुपयोग नहीं किया, अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। मोटर व्हीकल्स एक्ट ऐसा है कि अगर आप रोल्स रॉयस की शोरूम में चली जाएं और मोटर व्हीकल्स एक्ट के अनुसार आप उस पर चेकिंग कर लें तो शायद आपकी जो शोरूम में रोल्स रॉयस और मर्सिडीज होंगी वो भी पास नहीं हो सकती हैं, इतना ऐसा कानून मोटर व्हीकल्स एक्ट में है। और आपने एक कानून बनाया है कि कमर्शियल व्हीकल्स के रूप में प्राइवेट व्हीकल्स न चलें, क्या आपने व्यक्तिगत कोई सुरक्षा की व्यवस्था कर दी है? मुंबई में बाढ़ की सिचुएशन आने पर पिछले साल कितनी मौतें हुई थी, क्या हम में से किसी में ये कह सकता है कि पूरी तरह से कि आइंदा नहीं होगी? और अगर कोई गुड समैरिटन अगर कोई किसी को लिफ्ट दे रहा है उसमें सबसे पहले क्रिमिनल एक्ट में होता है मेंसरिया। नितिन नायर में कोई मेंसरिया नहीं था और हर पुलिस अधिकारी का प्रशिक्षण होता है कि देखे कि करने वाले में मेंसरिया था कि नहीं था। नितिन नायर क्या कोई टैक्सी ड्राइवर थे, नाजायज टैक्सी चला रहे थे, धन ले रहे थे? मैं समझता हूं कि इतना उनको अनुभव होना चाहिए था कि नितिन नायर ने एक निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य किया। प्रोफेसर सिंह, आपकी बात में ही ऐड करना चाहिए था न कि चालान। प्रोफेसर सिंह, हुआ यहाँ पर वही था कि जो वहां पर ट्रैफिक पुलिस थी उसने देखा कि नितिन ने अपनी गाड़ी में 3 लोगों को बिठाया, ना नितिन से पूछा कि आखिरकार आप इनसे इनको जानते हैं नहीं जानते हैं, क्यों बिठा रहे हैं, उनसे इंटेरोगेशन भी नहीं किया, बस उनका चालान काटा, उनका लाइसेंस ले लिया। तो क्योंकि आप पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं, आप ऐसे कई केसेस देखते होंगे, क्या ऐसा ही तरीका होता है जब कोई केस सामने, माने कोई संदिग्ध केस सामने आया, क्या पुलिस जो होती है वो इंटरोगेट कम से कम पहले नहीं करती, आप पूछती नहीं है, या सवारी से कम पूछ लेती कि आखिरकार आप बैठे हैं इस गाड़ी में तो क्यों बैठे हैं? आपके पास और भी 10 काम है, मैं समझता हूं कि अपनी सामर्थ्य और शक्ति को उनमें सकारात्मक चीजों में लगाएं बनिस्बत इसके कि नितिन नायर ऐसे भले लोगों को आप उनका चालान काटें। यह ठीक है, कानून ने आपको कुछ अधिकार दिया है, क्या आपको नितिन नायर आपको टैक्सी चालक लग रहे थे जो नाजायज टैक्सी चला रहे थे? क्या आपको जिन्होंने उठाया था इस प्रकार लग रहा था नितिन नायर उनसे 100-100 रुपए लेकर के उनसे कुछ किराया ले रहे थे?
और मैं समझता हूं कि मैं यहां से बैठ के दोनों बातों का जवाब ना मैं दे सकता हूं, और वहां पर बैठे हुए कांस्टेबल को ये नहीं करना चाहिए था, और अगर किया है पुलिस का नेतृत्व को एक परिपक्वता लानी चाहिए कि जो सुविधा आप जनता को नहीं दे सकते हैं वो सुविधा अगर एक आम शहरी दे रहा है तो उसको आपको साधुवाद देना चाहिए, न कि उसका चालान काटना चाहिए था। और ये आपत्तिजनक है। मैं समझता हूं कि यू कैन टेक अ पाउंड ऑफ फ्लैश बट नॉट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड आइदर हियर और देयर, जैसा शेक्सपियर ने कहा था। बिल्कुल, आपने तो वही बात कर दी कि मतलब आपने एक बूंद खून को लेकर के आपने कहा तिल का ताड़ बना दिया। कई बिल्कुल, लेकिन कई ऐसे केसेस क्योंकि सामने आए भी हैं उस पूरी रूट में कि कई जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो पैसेंजर्स को बिठा देते हैं और उनसे पैसे लेते हैं, तो इसी प्रैक्टिस को रोकने के लिए ऐसा कोई कानून बनाया गया। लेकिन कौन सा केस जेन्युइन है, कौन जानबूझकर कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत है, और ये करने के लिए ट्रैफिक पुलिस वहां पर मौजूद होते हैं, उनका काम ही यही होता है। अशीम सान्याल जी, 1988 में बना हुआ कानून, उसमें से एक ऐसा क्लॉज जिसके बारे में आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है कि अगर आपने किसी को अपनी अपनी पर्सनल गाड़ी में लिफ्ट दे दिया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। ऐसे दकियानूसी जो कानून है उनको बदलने की जरूरत है आज के टाइम में। देखिए, 1988 में जो कानून बना था, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल, जो बिल बना था, उसमें ये प्रोविजन इसलिए डाला गया था ताकि कमर्शियल, जो प्राइवेट गाड़ियों का कमर्शियल यूज होता है, वो उसको रोका जा सके। तो द स्कोप ऑफ द मोटर व्हीकल बिल इज बेसिकली, जिसे बोलते हैं, इस प्रावधान को कंट्रोल में करने का है कि वो प्राइवेट व्हीकल्स का कमर्शियल यूज ना हुआ जाए। आज अगर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2017 दोबारा अमेंड होकर आ रहा है, उसमें भी ये क्लॉज है। तो ये क्लॉज तो इसलिए डाला जाता है कि ओवर, जिसे बोलते हैं, ओवरवेलमिंगली आप ये देखें कि ये क्लॉज जो है वो, जिसे बोलते हैं, वायलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोविजन को रोकने के लिए होता है। जहाँ तक लोगों ने गुड सैमरिटन के बिल की बात की, वहाँ भी प्रोविजन ये है कि जो अगर कोई घायल व्यक्ति या एक्सीडेंट व्यक्ति को लेके जाए तो ये प्रोविजन उसमें लागू होता है। तो अलग अलग धाराएं या अलग अलग कानूनें बनाई गई है। यहाँ पॉइंट ये आता है कि जजमेंट ऑफ द पुलिसमैन, जो पुलिस वाला वहाँ खड़ा था, उसका जजमेंटल डिसीजन क्या था। अगर वो उसको लग रहा था उस टाइम पे कि जो नितिन जी है वो उसका कमर्शियल फ़ायदा उठा रहे हैं, या फिर उसको लगा कि ये जो है एक रेगुलर प्रैक्टिस उस रूट के ऊपर हो रही है जिसको वो रोकने की कोशिश कर रहा है, तो पुलिस वाले का को दोषी मानना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कानून तो यही कहता है ना कि आप प्राइवेट गाड़ी पे सवारी नहीं बिठा सकते हैं। दूसरा, इसमें एक जो मुद्दा खड़ा होता है जो किसी ने अभी तक रेज नहीं किया, वो ये आता है, आज हम प्रमोट करते हैं कारपूल का। कारपूल मतलब सगे संबंधियों को जो इकट्ठे ऑफिस जा रहे हैं उनको हम साथ में बिठा के ले जाते हैं और हम फ्यूल की बचत करते हैं। तो क्या ये प्रोविजन में बदलाव आनी चाहिए? मेरे हिसाब से आनी चाहिए, क्योंकि तभी तो आप प्रमोट कर पाएंगे अच्छी चीजें। लेकिन आज के दिन में ये प्रोविजन है, इसलिए पुलिस वाले को दोषी ठहराना मेरे हिसाब से वो बिल्कुल 100% ठीक नहीं है, क्योंकि वो अपना काम कर रहा था और कानून के तहत कर रहा था और जज के भी हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि कानून में ये लिखा हुआ है। बिल्कुल सर, हम दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, हम ये दरअसल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी स्थिति में कोई पड़ता है तो आखिरकार उसको करना क्या चाहिए, उसका विवेक उस समय क्या कहता है, क्योंकि वो तो समझेगा मेरे सामने एक पुलिस ऑफिसर है या ट्रैफिक पुलिस है, वो जो कह रहे हैं हो सकता है मैंने कोई गलती ही की हो। कई आम लोग ऐसा ही समझते हैं। प्रोफेसर सिंह यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। सर बोलिए अपनी बात, उसके बाद मैं विनोद संपत जी आपके पास आ रही हूँ। जी, विद्वान पैनलिस्ट ने यह कहा है कि सवारी उठा रहे हैं, सवारी उठाने में और एक पीड़ित को उठाने में, एक मुसीबत ज़दा को उठाने में, एक असमंजस की स्थिति में किसी व्यक्ति उठाने में बहुत जमीन आसमान का मौलिक अंतर है। एक तो इसमें मेंसरिया नहीं है, यानी कि कोई पाप बोध नहीं है। दूसरा, किसी की मदद करना, मैं समझता हूं कि समाज और संविधान भी अपेक्षा करता है कि किसी की सहायता करें। हाँ, मुसाफिर उठाना और उससे किराया लेना, यह अपराध है और अपराध में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें बहुत थिन लाइन है डिमार्केशन की, और उस थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन को पुलिसकर्मी को समझना चाहिए था कि नितिन ने एक शराफत की बुनियाद के ऊपर कार्रवाई की थी, न कि पैसा कमाने की नीयत से, इसलिए चालान औचित्यपूर्ण नहीं था। लेकिन अशीम जी तो कह रहे हैं कि पुलिस वाले को इसमें दोषी ठहराना सही नहीं है। आप कहते हैं कि आप समझते हैं प्रोफेसर सिंह कि इसमें पुलिस वाले की गलती हो सकती है, उसके उसके काउंटर व्यू में आपका जवाब क्या होगा?
मेरा जवाब ये होगा कि इलीगैलिटी तो नहीं, इनरेगुलरिटी भी नहीं, लेकिन आउटरीच कर देना एक अपने कर्तव्य के बारे में, वो रनिंग द एक्स्ट्रा माइल, वो औचित्यपूर्ण यूं नहीं है क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी। ओके ठीक है सर, जिससे पहले मैं विनो संपत जी आपके पास एक बार फिर से आऊं, मुंबई की जनता का इस पूरे किस्से पर रिएक्शन सुनना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं बड़े शहरों में, सिर्फ मुंबई की बात नहीं कर रहे, दिल्ली हो गया या बेंगलुरु हो गया, कोलकाता, कई ऐसे शहर हैं, छोटे शहरों में भी लोग दूसरों को लिफ्ट देते हैं, अपनी गाड़ियों में बैठाते हैं और उनके अलग अलग जगहों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि उनकी मदद करने के लिए। अब मुंबई की जनता इस पर क्या कहती है, सबसे पहले जरा ये सुनिए। देना पड़ेगा ना, उसके ऊपर मोहब्बत आया, मुसीबत आया है, कल हमारे ऊपर आएगा। मेरे घर में गाड़ी है, मतलब आपको लिफ्ट नहीं देगा तो फिर कल मेरे ऊपर आएगा तो कौन देगा? मदद तो करना मांगता है, मदद तो करना मांगता है ना, पहचान करेगा तो देना मांगता है ना। है, और मदद भी करनी चाहिए, जब नहीं करेंगे तो फंस ही जाएंगे ना सब लोग। अभी जब भी चलो ये आदमी फंस रहा है, मदद करेंगे, ये करेगा तो सब जन जाके उसको हेल्प कर सकते हैं। मुसीबत में देंगे ना, क्योंकि कभी उसका जान भी जा सकता है, कोई मुसीबत में है, अगर हमारे लिफ्ट देने से उसका मुसीबत में हेल्प हो जाता है तो क्यों नहीं देंगे। अपने धर्म में ही बोला गया है कि कोई भी अगर संकट में है तो उसको हेल्प करना अपना धर्म ही है। नेचुरल अगर ऐसा क्लाइमेट है, अगर कोई अपने को लिफ्ट मांगता है, अपनी गाड़ी में अगर सीटें हैं, कोई अपनी माँ रहेगी, बहन रहेगी, कोई भी एजेड आदमी रहेगा या स्टूडेंट रहेगा, तो उसको हेल्प देना अपना कर्तव्य है। ऐसा कानून में लाइक रूल में थोड़ा चेंज होना चाहिए, क्योंकि इट्स सेफ एंड अनसेफ बोथ, क्योंकि अभी बारिश आ रही है, अगर कॉमन आदमी है बेचारा कहीं पे फंस गया है और कोई किसी उसकी हेल्प कर रहा है, तो एक ह्यूमैनिटी के हिसाब से करना चाहिए, ऐसे हेल्प किसी की करना चाहिए। चेंज इसलिए लाना पड़ेगा क्योंकि सी आफ्टर ऑल पब्लिक ही पब्लिक को काम में आएगी, राइट? इफ़ समवन इज हैविंग एनी इश्यू, कहीं पे फंसा हुआ है, तो कोई भी बंदा, सी इफ इट इज़ जेन्युइन देन इट्स गुड, अगर जेन्युइन नहीं है तो सोचना पड़े पहले कि आप किसको बिठा रहे हैं। सो देयर शुड बी एडवांटेज एज वेल एंड डिसएडवांटेज एज वेल, सो आई थिंक स्टिल पीपल हैज टू डिसाइड दैट व्हाट नीड्स टू बी डन। तो मुंबई और अहमदाबाद के लोगों की तो आपने राय सुन ली इस पूरे मामले पर, लेकिन दिल्ली के लोग लिफ्ट देने और लेने को लेकर क्या राय रखते हैं, ये भी सुन लीजिए। मदद करने के अपने पर्सनल लोगों के साथ में जाओ, ओला चल लिया, ओवर चल लिया, दुनिया भर की कैब चल लिया, कैब फैसिलिटी है उसको यूज करो, बिल्कुल जायज घटा मेरे हिसाब से। तो अनजान लोगों से लिफ्ट देने नहीं चाहिए पहले तो। ओके, ये तो ड्राइवर में कहीं है ही नहीं कि किसी भी लोग को बैठाने नहीं चाहिए, पहले बात तो जो कहीं भी जा रहे हो अपने काम, जहाँ जा रहे हो वहाँ चले जाओ, किसी को पिकअप नहीं करना चाहिए रास्ते से। गलत है, पर कानूनी रूप से देखा जाए तो ठीक है, क्योंकि कानून नहीं जानता कि कौन सा आदमी परेशान था नहीं था, अगर वो गाड़ी में अगर आदमी बैठ गए तो वो गलत है, कानूनी रूप से गलत है। अगर दयावान से देखा जाए तो वो ठीक है, वो एक व्यक्तिगत हो गया, वो मामला व्यक्तिगत है। तो दिल्ली के लोगों की राय जरा अलग है मुंबई और अहमदाबाद के लोगों की राय से, लेकिन ये भी सही है कि हाँ, कई ऐसे क्राइम्स या जुर्म होते हैं, अगर मानिए एक और कोई सिचुएशन, गाड़ी में बिठा दिया आपने किसी को, एक्सीडेंट हो गया, उसमें किसकी जिम्मेदारी बनेगी? और लेकिन कुछ ऐसे भी रूल्स हैं विनोद जी, हमें मेन तो पता है कि अगर आपने गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं लगाई, फोन पर बातचीत कर रहे हैं, ट्रैफिक लाइट तोड़ दी, तो आपको जुर्माना लगेगा, लेकिन कुछ ऐसे और भी नियम है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं चलता, जैसे कि पहली बार हमें पता चला कि लिफ्ट दी तो जुर्माना लगेगा, चाहे आपकी पर्सनल गाड़ी चला रहे हो, चप्पल पहन के अगर बाइक चलाई तो भी जुर्माना लग सकता है, ट्रैफिक लाइट पर अगर आपने किसी से सामान अगर आप खरीद रहे हैं तो जुर्माना लग सकता है। तो आखिरकार जिम्मेदारी किसकी बनती है ये छोटे छोटे जो नियम है और सबसे जरूरी नियम है लोगों तक पहुंचाने की? हमारे वकील लोग में एक जोक है और इंग्लिश की प्रोवर्ब है, लॉ इज एन एस। आज लॉ में ऐसी कई चीज है जिसमें कॉमेडी भी होती है और आप अपने को मानना भी पड़ता है वो चीज को। दूसरा, मैं आपको पूछता हूं कि कौन सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसमें आदमी लोग ने कोई ना कोई वक्त पे किसी से लिफ्ट ना ले भी होए। मैं मेरे खुद की बात करता हूं, एक बार मैं गाड़ी चला रहा था, एक पुलिस वाला आके मेरे को बोला कि प्लीज भाई साहब मेरे को गाड़ी में बैठा दीजिए, मेरे को आगे जाना है और रिक्शा को फॉलो करना है। एज अ सिटीजन आई कोऑपरेटेड। मैंने कई बार देखा है कि आरटीओ वाले, पुलिस वाले खुद लिफ्ट लेते हैं, यहां तक इवन रिक्शा में भी बैठते तो भी पैसा नहीं देते, ऐसा भी सुना गया है। कहने का मतलब क्या है कि छोटी छोटी चीजों में गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को बड़ा दिल रखना चाहिए और ऐसे
बेबुनियाद कानून जो है वो पॉलिटिशियंस को और पार्लियामेंटरियंस को मेरी उनसे जिक्वा सर ऐसे नियम बदलने चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि संशोधन तो होना है मोटर व्हीकल्स एक्ट ऐसे कानून। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर विनोद जी, और अपनी गाड़ी में लिफ्ट देंगे आप किसी अनजान शख्स को, जरूरतमंद को? क्योंकि ऐसा कि जो केस सामने आया कई लोग ये आप शायद डरने लगे हैं कि मुसीबत ना पड़ जाए तो मैं जरूर दूंगा। इमरजेंसी होगी तो मैं जरूर दूंगा। आज समझो कोई आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, उसको हॉस्पिटल में लेके जाना है तो मुझे एक बार फाइन लगे तो भी मैं परवाह नहीं करूंगा। इंसानियत और नेकी के काम में कभी कभी करना पड़ता है, लॉ को कई बार टूटता है हम देखते हैं। आज मैं आपको एक चीज बताऊं। ठीक है सर, आप कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले आदमी को पूछिए, वो उनके डिपार्टमेंट की कई चीज बता सकेगा जो मानने में नहीं आएगी। जी बहुत शुक्रिया विनोद जी, असीम जी और प्रोफेसर विक्रम सिंह हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी की मदद करें तो आपको वाकई मुसीबत आप अपने सर पर ले पड़ेंगे। लेकिन हाँ, ये जो केस मुंबई का सामने है नितिन नायर का, वो एक बात जरूर दर्शाता है कि हाँ कई बार पुलिस वालों और ट्रैफिक पुलिस से भी चूक हो जाती है, और ऐसा मामला फिर ना हो और लोग डिस्करेज ना हो दूसरे लोगों को हेल्प करने से कम ऐसी नजीर तो पेश होनी नहीं चाहिए। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि अगर कोई जरूरतमंद हो उसकी मदद जरूर और जरूर कीजिएगा।